गुड मॉर्निंग एवरीवन टुडे इन दिस वीडियो ऑफ क्लास सिक्स केमिस्ट्री विल स्टडी चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप यानी कैसे भी हम लोग ऑब्जेक्ट्स को मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप में कैसे रखते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे विल स्टडी फ्यू क्वेश्चन एंड द फर्स्ट अमंग देम इज वट इज क्लासीफिकेशन हाउ इज इट यूजफुल यानी क्लासीफिकेशन क्या है और ये हमारे लिए कैसे यूजफुल है लाभदायक कैसे है ठीक है क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ थिंग्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ क्लासिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग कोई भी थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स को उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अरेंज करते हैं अगर उनका प्रॉपर्टीज सिमिलर है एक जैसा है तो उन्हें एक ग्रुप में रखते हैं और अगर उनका प्रॉपर्टीज अलग है तो किसी दूसरे ग्रुप में रखते हैं जैसे एग्जाम्पल में है एनिमल और ट्री एनिमल और ट्री दोनों का प्रॉपर्टी सेम है बोथ आर लिविंग थिंग्स एंड कार एंड टेबल इनका प्रॉपर्टीज अलग है दे आर नॉन लिविंग थिंग्स सिमिलरली वी कैन से एनिमल एंड ट्री दे आर नेचुरल ठीक है दे आर नेचुरल एंड कार एंड टेबल दे आर मैन मेड ठीक है तो ये बेसिस क्या हुआ लिविंग बेसिस हुआ नॉन लिविंग एक बेसिस हुआ इनका कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ ठीक है तो ये दोनों के बीच का सिमिलर प्रॉपर्टी क्या है कि ये दोनों लिविंग थिंग है ये दोनों के बीच का सिमिलर प्रॉपर्टीज क्या है कार और टेबल का कि दोनों नॉन लिविंग थिंग है इस बेसिस पे उनके प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अगर हम किसी भी थिंग्स को एक साथ में ग्रुप करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन एंड द यूजफुलनेस ऑफ क्लासिफिकेशन आर कैसे क्लासिफिकेशन यूजफुल है ये देखते हैं हम लोग फर्स्ट इट गिव्स अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ डिफरेंट थिंग ये हम लोगों को अलग अलग थिंग्स के बारे में नॉलेज देता है जैसे किसी भी ग्रुप एक ग्रुप में हम लोग किसी भी चीज़ को अरेंज करते हैं दैट बाई नोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ वन थिंग वील कैन टेल द प्रॉपर्टी ऑफ होल ऑफ द थिंग्स जैसे कि अगर हम यहाँ पे कोई फाइव लिविंग थिंग्स के बारे को अरेंज करें ठीक है तो क्या बोल सक अगर किसी एक के बारे में पता है कि हाँ एनिमल एक लिविंग थिंग है ठीक है तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ग्रुप लिविंग थिंग्स का बना हुआ है ठीक है तो इसी तरह से ये हम लोगों को सिस्टमेटिक नॉलेज और स्टडी करने में हेल्प करता है नेक्स्ट इट टेल्स एस हाउ डिफरेंट थिंग्स डिफरेंट मेंबर ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स डिफर फ्रॉम ईच अदर और ये हमें बताता है कि अलग अलग ग्रुप के मेंबर्स किस बेसिस पे एक दूसरे से अलग हैं यानी हम इन दोनों के बेसिस को किस बेसिस पे अलग अलग कह रहे हैं इस बेसिस के ये एक लिविंग थिंग्स का ग्रुप है और ये एक नॉन लिविंग थिंग्स का ग्रुप है ठीक है आपको पता चला क्लासिफिकेशन किस चीज़ में हेल्प करता है ये सिस्टमेटिक नॉलेज लेने में हेल्प करता है डिफरेंट थिंग्स के बारे में सिस्टमेटिक नॉलेज प्रोवाइड करता है एंड सेकेंड थिंग्स ये बताता है कि डिफरेंट ग्रुप्स के मेम्बर एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं कैसे अलग हैं ठीक है ठीके? लेट्स सी दिस क्वेश्चन नेम थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर ठीक है कोई भी आपके पास तीन स्टेट state है, स्टेट्स ऑफ मैटर तीन से तीन होते हैं कौन कौन सा सॉलिड लिक्विड और गैस थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड लिक्विड और गैस ठीक है सी दिस डायग्राम, सॉलिड ये लिक्विड और ये गैस नाउ आई लास्ट यू वन क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन है मेरा इसमें से सबसे ज़्यादा स्पेस किस में है योर आंसर विल बी गैस और सबसे कम स्पेस किस में है आपका आंसर होगा सॉलिड अगर हम आपसे पूछें कि इसमें से पार्टिकल्स फ्रीली किस में मूव कर सकते हैं आप बोलोगे सर गैस में किस में सबसे कम मूव कर सकते हैं सॉलिड में अगर हम आपसे पूछें कि मॉलिक्यूल्स क्लोज़र कहाँ पे हैं आप बोलोगे सॉलिड में क्यों क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस बहुत कम है तो मॉलिक्यूल्स क्लोज़र हैं और यहाँ मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस बहुत ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल्स फारदर अपार्ट हैं ठीक है फारदेस्ट हैं अंडरस्टूड अगर हम आपसे पूछें कि इनमें से किसका पैकेजिंग टाइट है यानी कि इनके बीच का स्पेस बहुत कम है आंसर इज सॉलिड सॉलिड के बीच का स्पेस बहुत कम है और गैस के बीच का स्पेस सबसे ज़्यादा है ठीक है तो क्या होता है जैसे जैसे आपके मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस द इन बिटवीन स्पेस ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज करता है वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होते जाता है आप बताओ खुद से सबसे स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ होगा सबसे स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स सबसे कम स्पेस होना चाहिए मॉलिक्यूल्स के बीच में तो यहाँ सबसे कम स्पेस मॉलिक्यूल्स के बीच में कहाँ है सॉलिड में अगर सबसे कम स्पेस है मॉलिक्यूल्स के बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा स्ट्रांग होगा ठीक है सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ होगा सॉलिड में और सबसे विकेस्ट कहाँ होगा गैस में ठीक है नौ मॉलिक्यूल्स यहाँ फिक्स हैं ये अपने प्लेस को चेंज नहीं कर सकते हैं इनके कारण इनका सेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होता है ठीक है सो नाउ लेट सी द डिफरेंसेस बिटवीन देम सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस नहीं होता है मॉलिक्यूल्स लिक्विड में मॉलिक्यूल्स आर फार्दर अवे इनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है सॉलिड के कंपैरिजन में इनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं एंड गैसेस मॉलिक्यूल्स आर फारदेस्ट यानी इनके इनके बीच मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है नेक्स्ट मॉलिकूल सॉलिड में क्या होते हैं स्पेस बहुत कम है तो क्या होंगे टाइटली पैक्ड ठीक है और इसमें क्या होता है लिक्विड में लेस टाइटली पैक्ड यानी सॉलिड से लेस टाइटली पैक्ड और गैसेस में लूजली पैक्ड सबसे लूज पैकिंग कहाँ होता है आपका गैसेस में ठीक है फिर से सॉलिड में क्या होगा अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक में होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बहुत स्ट्रांग होगा तो सबसे स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ है सॉलिड में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ है लिक्विड में और वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ है गैसेस में क्लियर फिक्स सेप किसका है सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम किसका है सॉलिड का लिक्विड में क्या होता है फिक्स वॉल्यूम बट नो फिक्स शेप और गैस में क्या होता है नो फिक्स शेप नो फिक्स वॉल्यूम क्लियर लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज नेम थ्री टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ लाइट दैट कैन पास थ्रू देम कितना लाइट उनके थ्रू क्रॉस कर सकता है इसके बेसिस पे कौन कौन से तीन सब्सटेंसेस होते हैं सब्सटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इन टू थ्री टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन अमाउंट ऑफ लाइट दैट कैन पास थ्रू देम कितना लाइट क्रॉस करता है उनके बेसिस पे तीन टाइप्स के सब्सटेंसेस हैं पहला है ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट कम्प्लीटली जो पूरा का पूरा लाइट अपने थ्रू क्रॉस करने दे कंप्लीट लाइट क्रॉस करने दे उन्हें क्या बोलते हैं ट्रांसपेरेंट एग्जाम्पल ग्लास ग्लास अपने थ्रू जितना भी लाइट का जितना भी अमाउंट ग्लास पे फॉल करता है वो लाइट कम्प्लीटली वहाँ से पास हो जाता है ऐसे ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं ट्रांसपेरेंट और इसका एग्जाम्पल क्या है ग्लास नेक्स्ट इज ट्रांसल्यूसेंट अ सब्सटेंस विच अलाउड लाइट टू पास पार्शियली थ्रू इट यानी थोड़े अमाउंट में ठीक है तो वैसे क्या बोलते हैं वैसे को ट्रांसलूसेंट एग्जाम्पल बटर पेपर ठीक है एंड लास्ट इज ओपेक अ सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट सब्सटेंस जो लाइट को अपने से क्रॉस नहीं करने देता है एग्जाम्पल में है वुड ठीक है दैट्स ऑल फॉर टूडे Thank you.